बोलिए। दादशांग जिनवानी माता की जय। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भुवतां तारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लभे वंदे तद्गुण लभे। बोलिए आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादि राज ग्रंथ तत्वासूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। हमारे तत्वासूत्र जो उमा स्वामी जी रचित ग्रंथ है उसके चतुर्थ अध्याय चल रहा है, जिसमें हम उर्द्वलोक का वर्णन समझ रहे हैं। 16 स्वर्ग और उसके ऊपर कल्पोपन्न और उसके ऊपर कल्पातीत क्या है, 9 ग्रेवियत क्या है, 5 अनुत्तर क्या है, 9 अनुदिश क्या है, ये सारी चीजों को हम समझ रहे हैं। जिसमें हमने अभी वैमानिक देवों की अधिकता किस विषय में है और हीनता किस विषय में है और कैसे कैसे ऊपर जाते जाते उनकी कषाय धीरे धीरे कम होती है और भावों में विशुद्धि बढ़ती है, और उनकी ऊंचाई भी शरीर की 7 हाथ नीचे पहले दूसरे स्वर्ग में और ऊपर पहुंचते पहुंचते सर्वा सिद्धि तक 1 हाथ की रह जाती है। उनकी ऊंचाई शरीर की ऊंचाई के बारे में भी हमने देखा, उनका परिग्रह, उनकी गति, गमनागमन स्थिति, उनका अभिमान कैसे कम होते जाता है ऊपर ऊपर की ओर, उनका परिग्रह कैसे कम होते जाता है, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। उनका अभिमान कैसे घटता है ऊपर के देवों का, कषाय घटती है तो उनका अभिमान भी घटते चला जाता है। 21 हमने आधा पड़ाव चतुर्थ अध्याय का पार कर लिया, उत्तरोत्तर हीनता। अब हम आगे 22 नंबर वैमानिक देवों की लेश्या लेश्याय की ओर चल रहे हैं। पढ़ लेंगे हम सभी लोग सूत्र को। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वितिशेषेषु पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्विती शेषेषु द्विती शेषेषु। थोड़ा सा एक दिन लगेगा आपको, पढ़ लीजिए एक बार वो। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्विती शेषेषु संधि विच्छेद पीत पद्म शुक्ल पीत प्लस पद्म प्लस शुक्ल प्लस लेश्या प्लस द्वि प्लस त्रि प्लस शेषेषु। शब्दार्थ पीत पद्म शुक्ल लेश्या यानी पीत पद्म शुक्ल लेश्या, 6 लेश्या है, 3 शुभ 3 अशुभ। यहां पर जो पीत पद्म शुक्ल लेश्या आप देख रहे हैं ये शुभ लेश्या आप देख रहे हैं। द्वि यानी दो, दो युगलों में, त्रि यानी 3 युगलों में, शेषेषु यानी समस्त विमानों में, 2 3 कल्पयुगलों और शेष में क्रम से पीत पद्म शुक्ल लेश्या वाले देव है। यहाँ क्या अर्थ हो गया कि 2 3 कल्पयुगलों में यानी दूसरे तीसरे स्वर्ग के जो युगल है उनमें और शेष में क्रम से पीत पद्म और शुक्ल लेश्या वाले देव होते हैं। हमने लेश्या पे पहले एक दिन बहुत स्पेशल सेशन लिए थे जिसमें 6 लेश्याओं के बारे में आपको हमने बताया था। लेश्याएं 6 होती है, 3 शुभ होती है 3 अशुभ होती है। कृष्ण नील और कापत, 3 कृष्ण नील कापत जो होती है 3 अशुभ लेश्या होती है, और पीत पद्म शुक्ल ये 3 शुभ लेश्या होती है, जिसका 22 नंबर सूत्र में जो पीत पद्म शुक्ल लेश्या का वर्णन आ रहा है ये शुभ लेश्याओं का, कि देवों की लेश्याएं कैसी रहती हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। कौन से स्वर्ग में कौन सी लेश्याएं रहती है वैमानिक देवों की, वैमानिक देवों की लेश्या का वर्णन यहाँ चल रहा है। 2 युगलों में 3 युगलों में तथा शेष के समस्त विमानों में क्रम से पीत पद्म शुक्ल लेश्याएं होती है। स्वर्ग के देवों में कौन सी लेश्याएं होती है इसको हम और जानेंगे। पहले और दूसरे स्वर्ग में
हमने जो 16 स्वर का पिक्चर आपको बताया है पहले, और एक और बार फिर से मैं आपके सामने लाती हूँ, ये आप देख रहे हो। हाँ, इसमें आप देख रहे हो 16 स्वर ऊपर, ये मध्य व्हाइट कलर जो है ये मध्य लोक है, इसके ऊपर 16 स्वर। तो पहले और दूसरे स्वर्ग में पीतलेशिया होती है, वैमानिक देवों की पहले और दूसरे स्वर्ग में पीतलेशिया होती है, तीसरे और चौथे में पीत और पद्म दोनों होती है। पहले और दूसरे में पीतलेशिया, तीसरे और चौथे में पीत और पद्म, और थोड़ा सा ऊपर गए तो और भावों में और विशुद्धि उनकी आ रही, कषायों का शमन हो रहा है, तो तीसरे और चौथे में पीत और पद्म दोनों हो गई। फिर थोड़ा ऊपर गए हम 5, 6, 7, 8, ये 5, 6, 7, 8 ये पास पास आधे आधे राजू का स्वर्ग बना है, ये 5, 6, 7, 8 जो है इनकी, इनका एरिया भी थोड़ा कम हो गया, आधा राजू का, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो है एक राजू प्रमाण है, डेढ़ राजू प्रमाण है, डेढ़ और डेढ़ तीन राजू यहाँ तक हो गए। ऊपर में जो है ये आधा आधा राजू का है 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 5वें, 6वें, 7वें और 8वें स्वर्ग में पद्मलेशिया, कौन सी लेशिया हो गई, पद्मलेशिया, जिसका हल्का गुलाबी कलर रहता है, उसके ऊपर 9, 10, 11, 12, इसमें यहाँ की पद्मलेशिया के भाव तो है ही, पर और थोड़ी भी शुद्धि आती है उनमें, और शुक्लेशिया भी आ जाती है। ये जो नीचे के स्वर्ग में जो पद्मलेशिया है उसको तो वो साथ में लेकर जा ही रहे हैं, पर शुक्लेशिया 9, 10, 11 और 12 जो ये चार स्वर्ग है, यहाँ पे पद्म के साथ शुक्लेशिया भी है, और ये स्वर्ग का प्रमाण भी आधा राज्य दिया है। सभी कल्पोपन्नों के बात हम कर रहे हैं, जो स्वर्ग है इसको कल्प कहा जाता है, कल्पोपन्न की बात है हम कर रहे हैं इसमें। अब आगे 13, 14, 15, 16 ये ऊपर में आप देख रहे हो, 13, 14, 15 और 16 ये दो ऊपर के हैं, यहाँ पर सिर्फ शुक्लेशिया है, यहाँ शुक्लेशिया है, और उसके ऊपर, उसके ऊपर आप देख रहे हो ये नव ग्रेवियक की नव लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नव ग्रेवियक है, यहाँ पर, यहाँ पर भी शुक्लेशिया, ग्रेवियक में तो देविया है ही नहीं है, तो शुक्लेशिया वहां रहना ही है, भाव वहां पे और उनके विशुद्ध शुभ्र होते जा रहे हैं, और उसके ऊपर नव अनुदिश, यहाँ तो और भावों की विशुद्धि बढ़ गई, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो भावों की विशुद्धि बढ़ते जा रही है, और परम शुक्लेशिया, यहाँ पर कौन सी लेशिया है, परम शुक्लेशिया, यहाँ तो शुक्लेशिया थी, परम यानी और उत्कृष्ट कोटि की शुक्लेशिया, और भावों में और विशुद्धि है। उसके बाद 9 अनुदिश के बाद 5 अनुत्तर, तो उसके ऊपर ये आप 5 पर्वत देख रहे हैं, ये 5 अनुत्तर है, ये 5 अनुत्तर में और भावों की विशुद्धि है, यहाँ पर और विशुद्ध भाव वाले वैमानिक देव है, और उनकी जो लेशिया है वो परम शुक्लेशिया, 9 अनुदिश 5 अनुत्तर में परम परम और परम यानी और उच्च उच्च विशुद्धि बढ़ती जा रही है, तो परम शुक्लेशिया यानी कल्पोपन्न के ऊपर कल्पातीत में शुक्लेशिया ही है, 9 ग्रेवियक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में शुक्लेशिया है, 16 स्वर के ऊपर की जो है, यहाँ यहाँ तक सर्वार सिद्धि है, बस सर्वार सिद्धि से एक 12 योजन का एरिया ये छूटा हुआ है इसके ऊपर, ये थोड़ा सा कल से मैं पिक्चर नीचे कर दूंगी ये थोड़ी, तो यहाँ पर बस एक बाल के बराबर अंतर रहता है और हम सिद्धशिला पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उतनी विशुद्धि बनने के लिए समय लगता है कि हम सिद्धशिला में विराजमान हो चुके हो जाए, तो उसमें और भावों में विशुद्धि बढ़ाना पड़ता है, तो फिर हम एकदम कहाँ पहुंच जाते हैं, सिद्धशिला में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने लेशियाओं को देखा, जो 3 लेशिया है, शुभ लेशिया है, पीत पद्म शुक्ल, कौन से स्वर्ग में कौन सी है, ऊपर तक परम शुक्ल लेशिया हो जाती है, निर्देश वर्ण परिणाम संक्रम कर्म लक्षण गति स्वामित्व साधन संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्व, इन अनुयोगों के द्वारा लेशियाओं का वर्णन होता है। जो लेशियाओं का वर्णन होता है
निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर बावल बहुत्वेश्च, ये हमने पहले पढ़ लिए है, ये सूत्र हमें पहले गया है, ये सूत्र हमें पहले गया। इसके आधार पर यह वर्णन किया जाता है जो लेस्याओं का अभी हमने देखा। आगे अब हम चलेंगे, एक और सूत्र आज हम लेंगे, ये हो गया पूरे वैमानिक देवो क्लेशिया, अभी हमने देख लिया, अभी पूरे पहले दूसरे स्वर्ग में कौन सी है ये सब पूरा अभी देखा हमने। आगे का सूत्र हमारा कल्प कहाँ तक है, कल्प कहाँ तक है पढ़ेंगे। प्राग ग्रेवे के भ्य कल्पहा, थोड़ा सा कठिन लगेंगे लगेगा शब्द आपको, प्राग फिर ग्रही वे य के भ्य, दो बिंदु आगे है तो ह का उच्चारण आएगा, तो प्राग्रैवकेभ्य कल्पः, प्राग्रैवकेभ्य कल्पः, संधि विच्छेद करते हैं इसका, प्राग प्लस ग्रैवकेभ्य प्लस कल्पः, प्राग ग्रैवकेभ्य प्लस कल्पः, प्राग यानी पहले तक, कल्पा यानी कल्प है, और ग्रैविक यानी ग्रैविक है, हमने देखे थे ग्रैविक, ग्रैविक से पहले तक कल्प है, ग्रैविक से पहले तक कल्प है, यानी इसको पिक्चर को खोल के रखना पड़ेगा, एक मिनट आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये जो नौ ग्रेवियत नौ हरी कलर की लाइन आप देख रहे हो, इसके पहले जो है ये पूरे सोलह स्वर्ग जो है ये कल्प है, यानी ये सोलह स्वर्ग, कल्प यानी स्वर्ग, ग्रेवियों के पहले पहले अर्थात सोलह स्वर्ग कल्पहा कल्प कध्यन्ते यानी कल्प कहलाते हैं, सोलह स्वर्ग में इंद्रादि की कल्पना होती है इसलिए इन्हें कल्प कहते हैं, सोलह स्वर्गों में इंद्रादि की कल्पना होती है इसलिए कल्प कहते हैं, कल्पना होती है कि ऐसे इंद्र है वहां पर, ऐसे देव है, ऐसी देविया है, इसलिए वहां पर उन्हें जो कल्पना होती है उसे कल्प कहते हैं। इनसे आगे नौ ग्रेवियक नौ अनुदिश पांच अनुत्तर विमान कल्पातीत, कल्पातीत हो गए, इससे आगे इंद्रादि की कल्पना नहीं होती, कल्पातीत, क्योंकि ये सभी अहम इंद्र होते हैं, सोलह स्वर्ग तक ये बात ध्यान में रखना, इंद्र होते हैं, उसके ऊपर जो होते हैं कल्पातीत यानी इंद्र नहीं है वहां पे अहम इंद्र, और उनकी पोस्ट बढ़ गई वहां पर, और उनका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, अहम इंद्र बन गए, तो ये सभी अहम इंद्र होते हैं, इनमें इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती, इंद्र इंद्राणी देविया तो ऊपर होती च नहीं सोलह स्वर्ग से ऊपर, पर वहां इंद्र भी नहीं होते, वहां कौन होते हैं, अहमिंद्र होते हैं, उनका प्रमोशन हो जाता, तो उनका प्रमोशन हो गया, अहमिंद्र बन गए वहां पर, अहमिंद्र रहते हैं, और फिर का हमने जब 24 तीर्थंकर के 24 सिंबल लिए थे, जब बताए थे कि कैसे उनको वैराग होता और फिर कैसे वो सिद्धशिला जाते हैं, इस प्रकार से प्राण द्रव्यकभ कल्पहा यानी कल्प यानी स्वर्ग के पहले पहले जो है वो कल्प है, सोलह स्वर्ग जो है वो कल्प है, उसके ऊपर नौ यज्ञ नौ अनुदि पांच अनुत्तर, ये तीनों चीज आप ध्यान में रख लीजिए, तो ये जो तीनों चीज है यहाँ पर कल्पातीत यानी इंद्रों का वहां चर्चा नहीं है, इंद्रादि की वहां अहम इंद्र है। आगे लोकांतिक देवों के भेद और नाम हम कल ले लेंगे, लोकांतिक देवों का वर्णन, चलिए आज यहाँ पर हम एंड करते हैं। हमने आज क्या समझ लिया, लेस्याओं को समझा कि वैमानिक देवों की, लेस्याओं के बारे में, वैमानिक देवों की जो लेस्या पीठ पद्म शुक्ल, इसके बारे में आज हमने समझा, तीन शुभ लेस्याई वहां रहती है, वहां शुभ का कोई काम नहीं है, और उसके बाद प्राग वैकभ्य कल्प यानी उसके ऊपर, कल्प के ऊपर क्या रहता है, इंद्र से भी ऊपर अहमिंद्र, और उनकी पोस्ट बढ़ जाती है, प्रमोशन हो जाता है, अहमिंद्र देव वहां पर रहते हैं, ये चीज आज हमने समझी, तो सभी लोग
अपने भावों में विशुद्धि बढ़ाए, कषायों का श्रमण करे और जल्द से जल्द सर्वार्थ सिद्धि के देव बनकर सिद्ध शिला में प्रवेश करें। इसी भाव के साथ बोलिए सिद्ध प्रभु भगवान की जय जय जय। उस सिद्ध शिला में अपने आप को विराजमान होते देखें। इसी भावों के साथ अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान की जय। जिनवानी दादशाम जिनवानी माता की जय। प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का आघात हुआ हो, दिल दुखा हो, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय भी हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, आज का नया दिवस आपने नए अनुष्ठान के साथ दिया, इसलिए मैं आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि नमन करता हूं। हे प्रभु, मैं भावना भाता हूं, जब भी इस संसार से जाऊं समाधि संलेखना पूर्वक ही जाऊं और लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भाव के साथ अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलग्न रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम ओम नमः आरोग्यो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम सोहम 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम सुखम ओम शांति ओम शांति। सुख को क्षमा, सुख से क्षमा, उत्तम क्षमा बोली आदिनाथ भगवान की जय जय जय। आज हमारे 23 तक हो गए, कल 24 तो चल चौथा अध्याय भी समाप्ति की ओर जा रहा है। माला जैन का हैंडल दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं माला जी? अनम्यूट करिए। साधना बोत्रा जी आपका हैंडल है, बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी आपसे तो मैं बहुत दिन से अभी जुड़ी हूँ, जब से रेखी क्लास चालू है सर की, जब से आपका तो अभी सुबह से रोज देख रही हूँ। दीदी आपको एक बात बोलो, एक बात पूछू, आपको बुरा मत मानना, आपका सच में दिमाग है या कंप्यूटर है? इसका जवाब तो पब्लिक देंगी, अजीत जी देंगे हमारे। अरे से भी अच्छा समझा रही हो, इतना इतना अच्छा लग रहा है ना सच्ची में। अच्छा, कब से जुड़े हो आप आकाश जी की? हाँ, तब से जुड़ी हूँ, लेकिन अभी देखिए कितने ना सुन रही हूँ, देख रही हूँ, अभी काम करते करते भी ये कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ऐसे गुरु महाराज भी इतना अच्छा नहीं समझा रहे, इतना अच्छा तो आप समझा रही हो। अच्छा, नहीं गुरु महाराज भी अच्छा समझाते हैं, पर धीरे धीरे ले रहे हैं ना, धीरे धीरे ले रहे हैं ना, पर सारा तो भी इतना समझ में नहीं आ रहा था, इतना आप समझा रही तो अच्छा लग रहा है इतना। थैंक यू थैंक यू, आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में, इतना ऐसा आपको तो अभी इतना प्रणाम दे, धरती से लेके अंबर तक भी प्रणाम करे तो कम पड़ेगा आपको। अच्छा है, अच्छी में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे ध्यान कर रहे हो यानी आप। हाँ पूरा भी मैं ये अभी जितना जितना मेरे से हो रहा है ना उतना उतना कर रही हूँ, क्योंकि शाम में भी जाना पड़ता है, फिर शाम को भी ऐसा दोपहर में मैं देख रही हूँ अभी,
दोपहर में भी थोड़ा ऐड होने के लिए, लेकिन सवेरे दोपहर में भी आप हो सकते ना, आप ट्रेनिंग कर लीजिए। अजीत जी का ये आ गया, आपका नेट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अजीत जी का आंसर आ रहा है। आपके सवाल का जवाब हमने अजीत जी पे छोड़ दिए थे। दीदी इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपकी सोच जाती है कैसे में आप सोचते हो, हमको प्रस्तुत कर देती है निश्चित रूप से। समाज से कितनी गहरी सोच है जो पहले तो स्वयं सोचती है, चिंतन करती है, मनन करती है, उसके बाद हमको परोस देती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई किसी कंप्यूटर से कम तो नहीं है, किसी भी हालत में कम नहीं है। ये दीदी ने सही कहा है, इसमें कोई संशय नहीं है कोई। तो दीदी ये बहुत ही अच्छा मतलब सेशन चलता है और हम सब लोग बहुत लाभान्वित होते हैं निश्चित रूप से। इसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते हम, इसका कोई जवाब नहीं। सही कहा। बहुत अच्छा लग रहा है, कोशिश करती हूँ बस दीदी की रोज एक ध्यान बन जाए। 48 मुझे नाटक बनाना था, 48 श्लोक में 48 प्ले बनाना था, वो प्ले तो मेरे अधूरे रह गए। 6:48 और 45 पे बना पाई, बाकी पे बनाई नहीं, टाइम नहीं मिला, लेकिन ध्यान जरूर बन जाए। श्लोक में 48 ध्यान जरूर। आपका ना नेट गड़बड़ हो रहा, आप चल रहे हो ना साधना जी, आप चल चल के बात कर रहे हैं ना, नेट गड़बड़ हो रहा है, आवाज भी बहुत हो रही है। अरे आप तो कुछ नहीं, दो दो शुरू है क्या आपके ना, तो मुझे उसमें ऐड करके आवाज हो रही है। हेलो ठीक है, आपका नंबर इसमें डाल दीजिए, आपको एक आईवीएस ग्रुप में जोड़ देंगे, नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, अजीत जी इसको जोड़ देंगे। आपके इस पे डालो दीदी, हेलो इस पे डाल दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ अजीत जी, दीपा जी कोई एक ग्रुप में इनको जोड़ दो। आपके व्हाट्सएप पे डालो दीदी नंबर। हाँ इसमें डाल दो ना चैट बॉक्स में, इसी में जूम है, जूम में चैट बॉक्स में डाल दो। मुझे नहीं आता दीदी वो चैट करना वैसे। ठीक है बोल दो, मुंह से लिख लेंगे। ठीक है चलेगा, बोल दो तो दीपा जी अजीत जी का नंबर लिख लेंगे। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए नंबर, बोलिए साधना जी। हाँ मिठाल कर जी। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। आप रोज समझाते हैं ना, आपका जो क्या बोलते हैं ना योगा योग आ जाता है, वैसा ही आज ही आपने पता है ना कल्पा कल्पातीत, वैसा आपका भी है ऐसा। अच्छा जो कल्पना आप जो कल्पना करते गए वो आज का सूत्र आपको आपके ऊपर लागू होता है ऐसा लगता है ना। अच्छा कल्पना करके जो बना है, बहुत सुंदर आपने भी सोचा। ये जो आपकी हाँ सबकी विचारधारा कैसी है, सही बात है। हाँ, कल्पाती तो कल्पना आपके ऊपर वो लागू हो गया। अच्छा हम पे ही लागू हो गया कल्पना। बहुत अच्छा सुन, आप बहुत अच्छा क्या बोलते हैं उसको ये करती है कल्पना करके वो जोड़ती है। बहुत अच्छा लगा। हाँ माला जी बोलिए। इंजीनियर संजीव जी है ना, उनको हीलिंग देना है। हाँ बोलिए बोलिए माला जी। हाँ मुझे सुबह बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब सुबह लगता देर नहीं हो जाए, मिस नहीं हो जाए, लेकिन आज थोड़ी देर हो गई थी तो मैं वो सुन नहीं पाई कि 25 तारीख तक क्या जमा करना और क्या बोलना है 25 तारीख तक। अच्छा वो अखंड हीलिंग, दिसंबर का हर महीने अखंड हीलिंग होता है,
तो जिसे भी भक्तांबर पढ़ना है वो अपना नाम दे देंगे, और जिनके बर्थडे एनिवर्सरी होते हैं उनकी शुभकामनाएं की पीपीटी बनती है, तो जिनके बर्थडे एनिवर्सरी इस महीने जनवरी महीने की है वो अपने नाम दे दे जनवरी महीने के। अच्छा, और मुझे बहुत मैं पहले देर से आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही माला जी, गड़बड़ हो रहा है कुछ, आवाज बहुत हो रही, आवाज नहीं आ रही है। चलिए हाँ बोलिए इंजीनियर साहब। जय जिनेन, जय जिनेन। मैंने हाँ जय जिनेन, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके हीलिंग से मुझे काफी काफी राहत मिल रहा है। बस रात में ही थोड़ा सा दर्द हो रहा है और एक पोजीशन में आने में ही दर्द होता है, बाकी तो ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हो रहा है, बस मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही बचा है वो मुझे लगता है कि आपके हीलिंग से वो पूर्ण हो जाएगा। मेरा सौभाग्य आज, आज और दे देते हैं, तीन दिन में तो निकल जाता है सब दर्द। चलिए ठीक है ना, देखते हैं आज और बस आपकी आपकी यही मेरी कामना है, आप ज्ञान रूपी गंगा को लगातार बहाते रहें और हम लोग सब उसमें डुबकी लगाकर उसमें से कुछ कुछ अंश अपने इसमें लेकर अपने आप को थोड़ा बहुत ज्ञान से परिपूर्ण करते रहें, यही हमारी भावना है। जय जिनेन, जय जिनेन। आशीर्वाद दीजिए बस सब लोग कि बस कुछ नया चिंतन कर सकूं, कुछ नई कल्पनाएं आप लोगों के सामने ला सकूं, बस इतना ही आशीर्वाद मुझे चाहिए सबका कि प्रतिदिन, क्योंकि यात्रा लंबी है, आज हमारे 15 हुए हैं मेडिटेशन, कोशिश करती हूँ कि हर दिन कुछ नई चीज लेके आऊं, अभी 48 तक जाना है, तो बस नई कल्पनाओं की विचार शक्ति की धारा मेरे अंदर बहे, ऐसा आशीर्वाद दो आप लोग तो मेरे 48 ध्यान अच्छे बन जाए, फिर एक बुक में भी डाल देंगे हम। जिसे भी हीलिंग लेना है सब लोग रेडी हो जाइए हीलिंग के लिए, मन को एकाग्र कर लीजिए। मैं किसी भी श्लोक की किसी भी बीजाक्षर की हीलिंग दूं, हर पावरफुल है, आपको जिस चीज की जरूरत है आप अपने मन में वो सोचिए। मैं इनको दर्द की हीलिंग दे रही हूं, मान लो यदि आपको कैंसर, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार की परेशानी है, उस परेशानी के लिए आप उस हीलिंग को कन्वर्ट करके ले लीजिए, वो हीलिंग कन्वर्ट होकर आप तक उस रूप होकर परिवर्तित होकर आपके अंदर जाएंगी। लेकिन कब, जब आपके भावों में एकाग्रता, मन वचन काय की एकाग्रता आप करोगे और ध्यान से बैठ के सोचोगे। ये जरूरी नहीं कि मैं आपको स्पॉटलाइट पर ही लूं, आप स्पॉटलाइट पे नहीं है लेकिन मेरे सामने पूरे मुझे गैलरी में आप लोग सब दिखते हो, इसलिए आपको जो भी हीलिंग चाहिए वो इससे मिलेंगी। चलिए ये मल्टीपल हीलिंग सेशन है अपना, और लिख लेंगे आप, आपको जो भी परेशानी है, किसी के गले में दर्द है गले में और लिख लीजिए, किसी को नाभि पर और लिखना है, जैसे बुखार है नाभि पर और लिख लीजिए, अभी बहुत मौसम चल रहा है नाभि का बहुत ज्यादा, अभी 33 नंबर के सिंबल का प्रयोग करके हम सबको हीलिंग दे रहे हैं और बहुत जल्दी बुखार उतर रहा है। 33 नंबर का सिंबल ओमिक्रोन के लिए, 33 नंबर के सिंबल का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, वो दम दिखा देंगे कल आपको। चलिए सभी लोग हीलिंग ले लीजिए, जिन्हें भी जो प्रॉब्लम है सोचिए कि आपकी वो प्रॉब्लम बाहर जा रही है, जिसे निद्रा नहीं आ रही है, मान सम्मान की प्राप्ति चाहिए हो, दुख दर्द हो और लिख लेंगे, कमर का दर्द, हाथ पैर का दर्द सोचिए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, 9 बार बोलेंगे मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो हरियाणं, नमो ध्यानं, नमो लोय शब्द साहुणं, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो हरियाणं, नमो ध्यानं, नमो लोय शब्द साहुणं, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो हरियाणं, नमो ध्यानं, नमो लोय शब्द साहुणं,
नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हरियाणम नमो उद्धायनम नमो लोय शब्द श्रावण नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हरियाणम नमो उद्धायनम नमो लोय शब्द श्रावण ओम ह्रीं आदिनाथाय नमः 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 आपके मन में चिंतन चलते रहना चाहिए। आपका कमर का दर्द जा है, आप ठीक से चल पा रहे हो, आप पहले जैसे स्वस्थ हो चुके हो। जहां आपको तकलीफ है वहां पर ये एनर्जी जा रही है, आपकी एनर्जी को महसूस करिए। उस एनर्जी से आपके अंदर की दुख दिल भरी निगेटिविटी बाहर जा रही है। नया शरीर आपका तैयार हो रहा है। Oh.
उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगणा सोचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीद देहा मत्या भवन्ति मकरद धज तुल्यरूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम भगवते भय भीषण हराये नमः। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवन तव लंघयन्ति संसितास्ति जगदी श्वर नाथ मेकम् कस्तान निवारयति संचरितो यथेष्टम्। ओम भगवते केवल्य ज्योति से नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीम रमणमो विवुलमडिनम झुन झुन नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रमणमो विवुलमडिनम झुन झुन नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रमणमो विवुलमडिनम झुन 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 नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रमणमो विवुलमडिनम झुन झुन नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रमणमो विवुलमडिनम झुन झुन नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रमणमो विवुलमडिनम झुम झुम नमः स्वाहा। स्वस्थोऽहम् सुरक्षितोऽहम् ओम नमः आरोग्योऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम्। बोलिए अदिनाथ भगवान की जय जय। चलिए ठीक है, एंड करते हैं सेशन को। हो गए सबकी हीलिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ठीक है सब। संजीव जी हाँ अभी चलूंगा मैं तो, महसूस होगा बस एक जगह ही दर्द होता, बाकी तो काफी कल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब दिन भर में काफी घूमा भी और तो काफी रिलीफ रहा। सोते समय बस एक जगह हल्का सा दर्द हो रहा था, अन्यथा काफी काफी रिलीफ था। तो क्योंकि पहले भी एक बार मुझे स्लिप डिस्क हुआ था तो उसके दर्द को मैं जानता हूँ कितना तकलीफ होती है, लेकिन अभी इस बार दर्द बिल्कुल नहीं के बराबर है। सिर्फ आपके आशीर्वाद से ही है, आपका ही सब कुछ है, बस आपकी वर्गनाओं का लाभ मुझे मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू।